आपके भरोसे पर खरे उतरकर हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। खबर जनपद अयोध्या से, जहां शिक्षा क्षेत्र रमानीगंज के प्राथमिक विद्यालय ग्राम सभा रोहतावा में शिक्षकों की भारी लापरवाही देखने को मिली। ग्रामीण विद्यालय पहुंचकर किया विरोध। बताते चले कि जनपद अयोध्या के शिक्षा क्षेत्र रमानीगंज के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम सभा रोहतावा में 8:05 तक विद्यालय में तालाबंद मिले बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। पत्रकार को देखते हुए कुछ ग्रामीण व्यक्ति ने प्रदीप शुक्ला, प्रकाश शुक्ला, शिवनाथ यादव, सीताराम आदि ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए जानकारी दी कि अध्यापकों का प्रतिदिन देर से आने का नियम बना हुआ है। यही नहीं, ग्रामीणों ने यहां तक कहा कि एक तरफ सरकार अध्यापकों के बच्चों को भविष्य के लिए पानी के तरीके 50,000 प्रति माह दे रही है, वहीं दूसरी तरफ अध्यापक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाते हुए बताया कि उस ग्राम सभा की सफाई कर्मी राजेश कुमार द्वारा कोई साफ सफाई नहीं की जा रही, जिससे विद्यालय के सामने गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जब पत्रकार द्वारा जिला विधिक शिक्षा अधिकारी से फोन करके ग्रामीणों के कहने पर कार्यवाही करने को कहा गया, तो जिला विधिक शिक्षा अधिकारी ने शीघ्र कार्यवाही करने का आदेश दिया। अब देखने का सवाल ये उठता है कि जिला शिक्षा विधिक अधिकारी द्वारा अध्यापक पर कार्यवाही की जाती है या फिर मेहरबानी। विद्यालय में तालाबंद हुआ है, बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं। लोग नाम का क्या नाम है? बोला मास्टर आए नहीं आए नहीं आए हैं। चलिए हम कदम से बात करते हैं। कदम कौन सा है? ये कौन सा विद्यालय का बच्चा है? माध्यमिक विद्यालय रहता हूँ। पानी है समय 7:30 अध्यापक पहुँचने का, 8:02 दो मिनट हो रहे हैं। अब तो कोई टीचर आए ही नहीं आए? नहीं आए, नहीं आए। इनकी रोज आने जाने का ही समय है? यही समय है, यही समय आते हैं। डेली लेट ही आते हैं, 8:00 के बाद ही आते हैं, 8:30 से 8:30 तक। और जैसे इनके बारे में कुछ बताएंगे, सफाई कर्मी बारे में? और सफाई कर्मी तो वो नहीं करते, सफाई कर्मी दिखाई नहीं पड़ता। दो कब सफाई कर्मी कभी नहीं आते? सफाई कर्मी महीने में 4 दिन आते हैं, स्कूल चला जाते हैं, स्कूल में जाके यहाँ बच्चे अपना झाड़ू लगा के सफाई करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि सरकार हर अध्यापक को 50-60 का वेतन दे रही है, और आपके ग्राम सभा के बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके भविष्य का क्या हो रहा है? उनके भी इसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करनी चाहिए। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बंद करिए।